गाइज वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल लक्ष्मी आयुर्वेद। लक्ष्मी आयुर्वेद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉप इज नेचुरल ग्लो केसर फेस क्रीम। आज मैं इस वीडियो में आपको नेचुरल ग्लो केसर फेस क्रीम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, इससे रिलेटेड सभी जानकारियां आपको दूंगी, इसे कैसे यूज करना है, इसकी प्राइस क्या है, ये कौन से स्किन प्रॉब्लम्स में आपको काम आ सकती है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर ले, बगल में ही बेल आइकन है उसे भी दबा ले ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो लेट्स मूव टू द वीडियो दैट इज कॉल्ड हिमालया नेचुरल ग्लो केसर फेस क्रीम। सबसे पहले इसकी पैकिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह के व्हाइट कलर के कार्टून पैकिंग में ये आती है और ये हिमालया कंपनी द्वारा बनाई गई है, आप देख सकते हैं। और ये क्रीम जो है दूसरे ब्यूटी क्रीम से बिल्कुल हटके है क्योंकि इसे हिमालया कंपनी ने बनाया है और ये एक बहुत पुरानी और विश्वसनीय कंपनी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसके और भी कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी जो है ये ट्रीटमेंट जो है देती है हिमालया कंपनी, जिसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है, हम सभी जानते हैं। तो ये जो हिमालया नेचुरल ग्लो केसर फेस क्रीम है इसमें ऐसे तत्व डाले गए हैं जो आपके स्किन के कई तरह के प्रॉब्लम्स को दूर करती है। तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है स्किन में हमारी वो है स्किन टोन, यानी कि हमारे स्किन की जो टोन होती है, अगर आप काले हैं या गोरे हैं तो एक टोन आपकी अपनी होती है जो कि डिसकलर हो जाती है ड्यू टू पोल्यूशन या तो और भी स्ट्रेस, डे टू डे लाइफ, बहुत से रीजन से जो है ये स्किन टोन डिसकलर हो जाती है। तो इस क्रीम को अगर आप कंटिन्यू यूज करते हैं तो आपकी स्किन टोन जो है वापस आपकी नेचुरल, ऐसा नहीं है कि अगर आप सांवले हैं तो आप गोरे हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो नेचुरल स्किन टोन है वो आपको वापस जरूर मिलेगी। तो ये जो है स्किन टोन को रिपेयर करती है और जो है ये ब्लेमिशेस को भी रिड्यूस करने में काम आती है, यानी कि जो दाग धब्बे हो जाते हैं, छाइयां हो जाती है, उसे भी ये क्रीम जो है धीरे धीरे ठीक करती है। पहले तो धीरे धीरे उसे लाइट करेगी, फिर अगर आप कंटिन्यू इसे यूज करते हैं तो उसे बिल्कुल भी जड़ से हटा देगी। तो ये जो है ब्लेमिशेस को भी रिड्यूस करती है, दूसरी जो इसकी क्वालिटी है, तीसरी जो है वो है ये स्किन को, स्किन की ल्यूमिनेंस को बढ़ाती है, यानी कि स्किन के शाइन को बढ़ाती है, उसकी जो टेक्सचर होती है स्किन की उसे ये ग्लोइंग बनाती है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपके स्किन में जो भी डर्ट वगैरह जम गई है या जो भी पॉल्यूशन की वजह से आपकी स्किन डल हो गई है उसे ये लस्चरस बनाती है। थर्ड क्वालिटी इसकी ये है। और फोर्थ जो है वो है स्किन को ये नरिश करती है और हेल्दी बनाती है, यानी कि जैसे कि हम बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं अपने बॉडी को नरिश करने के लिए, उसी तरह से हमारे स्किन की भी नरिशमेंट जो है वो बहुत जरूरी होती है। तो ये जो क्रीम है वो आपके स्किन को नरिश करती है। और फिफ्थ जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है वो है ये स्किन को मॉइस्चराइज करती है और वो भी बिना किसी ग्रेसी लुक के, यानी कि बहुत बार क्या होता है कि हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं लेकिन हमारी स्किन बहुत चिपचिपी नजर आती है। अगर आप इस क्रीम को लगाएंगे एज अ मॉइस्चराइजर तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी लेकिन बिल्कुल भी ग्रेसी या चिपचिपी आपकी स्किन नहीं लगेगी। तो ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर भी है। लेकिन मैं फ्रेंड्स एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिन लोगों की स्किन बहुत ड्राई है यानी कि उन्हें मॉइस्चराइजर लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप इस क्रीम के साथ अगर आपको लग रहा है कि फिर भी हमारी स्किन ड्राई लग रही है तो आप किसी भी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ी सी, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको मॉइस्चराइजर की ज्यादा नीड है तो आप इसके साथ भी उसे लगा सकते हैं, इससे स्किन की और ये क्रीम की कोई भी इफेक्ट आपको नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कि इसमें अल्फल्फा है जो कि हमारे मेलेनियम को ठीक करता है हमारे स्किन की, यानी कि जब हमारा मेलेनियम बढ़ जाता है, मेलेनिन बढ़ता है तब हमारी स्किन काली या गोरी होती है। तो ये जो व्हाइट मेलेनिन है उसको इंक्रीज करता है और जो डार्क मेलेनिन है उसको जो है वो डिक्रीज करने में मदद करती है। और इसमें सैफ्रॉन डाला गया है यानी कि केसर, ये तो प्राचीन काल से सभी जानते हैं, एंशियंट टाइम से केसर को जो है हम एज अ स्किन इम्प्रूवमेंट, स्किन टोन ब्राइटन्स या तो हमारे कम्प्लेक्शन को इंक्रीज करने के लिए, हमारी स्किन टोन को इंक्रीज करने के लिए या तो हमारी रंगत को निखारने के लिए ये प्राचीन काल से यूज हो रहा है, जो कि इसमें केसर की अच्छी
क्वांटिटी डाली गई है जो हमारे स्किन को ग्लोइंग भी करती है और हमारे टोन को भी इंक्रीज करती है और नरिश भी करती है। तो ये सारे इसके जो प्रॉपर्टीज है या जो चीजें इसमें डाली गई है इसे ये सारे ब्यूटी क्रीम से जो है वो डिफरेंट बनाती है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत अफोर्डेबल है, इसे कोई भी मिडिल क्लास या कोई भी क्लास जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे क्रीम से इफ़ेक्टिव हो, ये क्रीम बहुत अफोर्डेबल है लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं, ये जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो आइए देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। इसकी जो प्राइस है वो सबसे छोटी जो पैकिंग है उसकी प्राइस है 48 रुपीज़, यानी कि 48 रुपये इसकी MRP है। आप देख सकते हैं जो कि 25 ग्राम की है और ये सारे जो है क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसकी बड़ी साइज़ की भी आपको मिल जाएगी, जैसे कि ये जो है 25 ग्राम की मैंने आपको दिखाई, इसकी जो प्राइस है ये 50 ग्राम की है और ये जो है 90 रुपीज़ की। आप देख सकते हैं इसकी MRP 90 रुपीज़ है। इसी तरह से आपको बहुत सारे जो है क्वांटिटी में ये अवेलेबल है, आप ले सकते हैं जो भी क्वांटिटी की आपको चाहिए। और आइए बात करते हैं इसे लगाना कैसे है। इसे जो है थोड़ी सी अपने हथेलियों पे, आप इस ट्यूब को खोलने के बाद आप अपने हथेलियों पे थोड़ी सी ले लें और इसे सर्कुलर मोशन में रब करते हुए इसे लगाएं। और इसे आपको ऐसा दो बार करना है दिन में सुबह और खास करके नाइट को सोने से पहले, क्योंकि नाइट को कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि नाइट को कोई भी पोल्यूशन, कोई भी सनरेज आपके स्किन को नहीं पहुंचती है और आपको पूरा जो है जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उसका पूरा असर देखने को मिलता है। तो आप सबसे पहले अपने फेस को जो है फेस वॉश से क्लीन कर ले, किसी भी फेस वॉश से, अगर आप हिमालया की यूज़ करते हैं तो और भी अच्छी बात है, और वरना जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं उससे क्लीन कर ले, अपने चेहरे को पैड ड्राई कर ले, उसके बाद जो है ये क्रीम पूरे फेस पे आप लगाए सर्कुलर मोशन में 2 मिनट मसाज करते हुए और उसे छोड़ दे। और मॉर्निंग और इवनिंग में अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाइट में आपको श्योरली करना है क्योंकि नाइट का वर्किंग जो है सबसे ज़्यादा होगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी कोई भी स्किन प्रॉब्लम, जो भी मैंने आपको बताया रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम, वो सारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपकी स्किन जो है ग्लोइंग और लस्टरस बनेगी। होप मेरा वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आगे भी मैं बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन की, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रिव्यू आपके लिए लाने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगी। सो हमारे साथ बने रहें। टिल देन गुड बाय।